ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के रोहिणी विधानसभा में जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, वो विजेंद्र गुप्ता के बीजेपी में कद को बयां कर रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी रोहिणी प्रशांत विहार स्थित अग्रसेन भवन पहुंचे। अग्रसेन भवन में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग मौजूद थे। रूपानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो केवल झूठ का प्रचार कर रही हैं। दिल्ली के विकास के उनके दावे खोखले हैं। इस बार दिल्ली मोदी के साथ चलने का मन बना चुकी है। उन्होंने धारा 370 राम मंदिर मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि देश की जनता तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को समझ चुकी है, शाहीन बाग का समर्थन करने वालों को सबक सिखाने को तैयार है। रोहिणी हमेशा से ही बीजेपी के साथ रही है। विकास की बात भी है और एक तरफ शाहीन बाग की बात भी है, दोनों बात जरूरी है देश के लिए। और इतने साल हम गुलाम तो रह चुके हैं और देश ने काफी बहुत कुछ हमने सहन भी किया है, तो फिर से इस देश को किस दिशा में ले जाना है, विकास भी करना है और देश की धरोहर, देश की संस्कृति, देश का धर्म, उनको भी बचाना है। और अपीसमेंट की राजनीति खत्म करते हुए हम सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को अच्छी तरह से पुनर्स्थापित करते हुए भारत माता परम वैभवशाली बने और उसमें दिल्ली भी बाकी न रहे, दिल्ली सबसे आगे रहे। तो इसलिए मैं गुजरात से आपको विनती करने के लिए आया हूँ कि आप लोग इस बार कमल का फूल अच्छी तरह से कमल की सरकार बनाइए, भाजपा की सरकार बनाइए और विजेंद्र जी को उसको तो जिताएंगे। इस सभा में रोहिणी अग्रवाल समाज के लोग और प्रमुख गणमान्य लोग, अग्रवाल समाज की प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। विजेंद्र गुप्ता ने भी शाहीन बाग का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा विकास की बात करती है, लेकिन कुछ लोग शाहीन बाग के मुद्दे को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो पर्याय ही विकास है, बीजेपी जब जब आती है डेवलपमेंट होता है। अभी रूपानी जी ने विस्तार से बताया मोदी जी ने किस तरह गुजरात का विकास किया था और किस तरह की योजनाएं वो जब वो मुख्यमंत्री थी लाए थे। हम तो विकास का मुद्दा लेकर चले थे, दिल्ली के विकास का, देश के विकास का, रोहिणी के विकास का, लेकिन हमारे विरोधियों ने शाहीन बाग का मुद्दा लाकर मुद्दा बदल दिया। अग्रवाल समाज की प्रमुख हस्तियों के शामिल होने पर विजेंद्र गुप्ता ने आभार व्यक्त किया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि रोहिणी के विकास के लिए पल पल समय का उपयोग किया है। इससे पहले विजेंद्र गुप्ता के कार्यों का जिक्र उनकी धर्मपत्नी शोभा विजेंद्र ने विस्तार से किया। साथ ही ये भी बताया कि विषम परिस्थितियों में कैसे विजेंद्र गुप्ता रोहिणी के विकास के कार्य करते रही हैं। ऐसे स्थान पर रोहिणी के लिए, रोहिणी के भाइयों और बहनों के लिए लगातार अपनी आवाज उठाई और मुझे हंसी भी आती है कि कभी भी ये नहीं कहा कि मैं क्या करूं जी, मुझे तो ये केजरीवाल कुछ करने नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा बजट लेकर आए और बजट के माध्यम से यहाँ के कूड़े के ढलावों को, और मैं रूपाणी जी एक बताना चाहती हूँ, गुजरात बहुत साफ है, गुजरात बहुत अच्छा है, बहुत मॉडल है, लेकिन एक चीज के अंदर रोहिणी असेंबली ने रिकॉर्ड कायम किया है, वो ये है कि पूरे भारत देश के अंदर 25 रिक्रिएशन सेंटर्स एंड लाइब्रेरीज, यानी गली मोहल्ले का जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है वो अगर किसी ने जीवंत किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने किया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी से हाल ही में अलग हुए जय कुमार बंसल भी मंच पर मौजूद रहे। वहां मौजूद लोगों की संख्या को देखकर लग रहा था कि अग्रवाल समाज एक तरफा समर्थन विजेंद्र गुप्ता को देने वाला है। शाहीन बाग मुद्दे ने रोहिणी में बीजेपी की जबरदस्त हवा बना दी है। जाहिर है कि रोहिणी बीजेपी के लिए सबसे मजबूत सीट तो मानी ही जा रही है, सरकार में भी सबसे अहम भूमिका निभाने की संभावनाएं इसी सीट से है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट।